आप गूगल पे यूज कर रहे हो तो गैस आपका साथ काफी बड़ा स्कैम हो सकता है। गैस अगर आपने गूगल पे यूज कर रहे हो तो गैस आपने जरा से भी गलती करोगे तो गैस आपका बैंक खाते से काफी सारा पैसा कट हो सकता है, यानी कि आपका पूरा साल की मेहनत जाने वाला है। गैस अगर आपने गूगल पे यूज कर रहे हो तो गैस आप थोड़ा अवेयरनेस हो जाइए, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसे एक प्रॉब्लम हुआ। गैस आप सुन के आप भी चौंक जाओगे। गैस अगर आपने गूगल पे यूज कर रहे हो गैस आपका भी साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जरूर होता होगा। समझो कि आपने किसी को पेमेंट सेंड कर रहे हो, समझो कि वो पेमेंट आपके यहीं से नहीं गया या तो फेल हो गया, या तो कभी कभार क्या होता है कि पेंडिंग में चला जाता है। समझो कि आपका बैंक खाते से आपका पैसा कट हो गया है और सामने वालों के पास पैसा नहीं पहुंचा है। इस केसेस में आप क्या करते हो? आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो, क्योंकि आपका बैंक खाते से तो पैसा कट हो गया, सामने वालों को आप ये बोलते हो कि मेरा बैंक खाते से पैसा कट हुआ है, आपका वहाँ पे नहीं पहुंचा तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सामने वाला बंदा आपको ये बताते कि मेरे इसमें पैसा नहीं आया तो नहीं आया, आप दोबारा ट्राई कीजिए, या तो आप कस्टमर केयर में बात कीजिए, या तो आप कोई हेल्प सपोर्ट रहेगा तब उनसे बात कीजिए। तो गाइस अब इस केसेस में क्या करते हो, आपने गूगल पे का जो नंबर है, यानी कि गूगल पे का जो कस्टमर केयर का जो नंबर है, आपने ढूंढते रहते हो कि गूगल पे का कस्टमर केयर का नंबर कैसे मिले। आप इस केसेस में क्या करते हो, या तो आप अपना बैंक जाके बात करते हो, या तो गूगल पे का कस्टमर केयर आप ढूंढते हो, या तो गूगल पे से बात करो, क्योंकि आपका बैंक खाते से तो पैसा कट हो गया है। जैसे कि आपने बैंक पे जाके बात करोगे तो गाइस वहाँ से भी ये बताएंगे कि आपका बैंक खाते से पैसा कट हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। पेंडिंग में जाने से देखिए थोड़ा टाइम लगता है, या तो 7 वर्किंग डेज भी लग सकता है, 3 वर्किंग डेज भी लग सकता है, या तो 24 घंटे के अंदर भी क्लियर हो सकता है, 3 आवर्स के अंदर भी क्लियर हो सकता है अगर पेंडिंग में चला गया तो। आप जल्दबाजी में अपने कस्टमर केयर ढूंढते हो, या तो गूगल पे के कस्टमर केयर में बात करो, या तो मैं अपना बैंक कस्टमर केयर से बात करूँ, तो इस केसेस पे आपने क्या करते हो, यहीं पे आप गलती कर बैठते हो। समझो कि आपने गूगल पे, जैसे कि आपने गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो ना, वही गूगल पे जाके आपने क्या करते हो, सर्च करते हो कि गूगल पे कस्टमर केयर नंबर। तो गाइस यहीं से मेन गलती स्टार्ट हो जाता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है कि आपका पेमेंट कट हो गया, आपका बैंक से पैसा कट हो गया है। मेरे दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट खो बैठा है। तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने किया है कि तो सर इसी प्रकार से उन्होंने गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर ढूंढा गूगल से, जैसे कि गूगल में सर्च किया गूगल पे के कस्टमर केयर, उन्होंने गूगल पे के कस्टमर केयर जैसे कि सर्च किया है, सर्च करने के बाद वहाँ पे एक नंबर शो हो रहा था, फर्स्ट नंबर पे नंबर शो हो रहा था, उन्होंने किया क्या नंबर पे कॉल किया है। कॉल करने के बाद देखिए सब कुछ अकेला अकेला किया है, ओके, उन्होंने सब कुछ अकेला अकेला किया। देखिए ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, देखिए सबको नहीं पता है कि आपको भी शायद नहीं पता हो सकता है, आपका पेमेंट कट हो जाता तो आपका दिमाग काम नहीं करने लगता है। उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार से गूगल पे का कस्टमर नंबर सर्च किया है गूगल से, जैसे कि उन्होंने गूगल पे का कस्टमर केयर सर्च किया है, एक नंबर देखने को मिला उनको, वो नंबर पर उन्होंने कॉल किया है। तो गाइस जैसे कि उन्होंने बताया कि सर अपना गूगल पे से पैसा कट हो गया, तो गाइस सामने वालों का पैसा नहीं गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो सबसे अपना नेम बताइए। तो उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड का नेम पूछा है, अपने फ्रेंड का जो मोबाइल नंबर है उन्होंने कंफर्म कराया, तो उन्होंने बोला हाँ सही है सर यही नंबर है ये, तो बोलते आप अपना पैसा थोड़ी देर में रिफंड आ जाएगा, अपने अपना पैसा रिफंड लेना चाहते हो, तो बोलते कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि एक एप्लीकेशन की बात करो, मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। तो गाइस वो जो एप्लीकेशन उन्होंने डाउनलोड किया है वो एक रिमोट कंट्रोलर था, यानी कि वो एक्सेस कर सकता है आपका मोबाइल, उन्होंने एक्सेस कर सकता है, ओके। तो गाइस एक हिसाब से समझो कि आपका मोबाइल फ़ोन को हैक कर देते हैं उन लोग। तो गाइस उन्होंने क्या किया, उनको बताया कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उन्होंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि एक आईडी नंबर, जैसे कि कोई रिमोट कंट्रोल अपने अपना मोबाइल फ़ोन इंस्टॉल करोगे ना उनका एक नंबर होता है, तो उनको बता कि आपके स्क्रीन पर सब नंबर शो हो रहा होगा, उन्होंने बोला कि हाँ इसके पर नंबर शो हो रहा है, वो नंबर बता दीजिए, तो उन्होंने वो सब नंबर भी बता दिया। बता देने के बाद उन्होंने किया, उनका अपना मोबाइल फ़ोन का एक्सेस पूरा उनके हाथ में चला गया, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। देखिए 2 मिनट वेट किया है, उन्होंने क्या किया, जैसे कि इनका मोबाइल का पूरा फुल एक्सेस उनके पास चला गया, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर नंबर टाइप किया, नंबर टाइप करने के बाद कुछ वॉलेट, वहाँ पर कोई वॉलेट दिख रहा था, वो वॉलेट में क्या किया उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर लिया, तो भी 1-2 रुपये नहीं है,
320 रुपीज़ के स्क्रिप्शन नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे नहीं लिया हूँ। तो गाइस 60,000 बोलो तो कितना ज़्यादा पैसा होता है, 60,000 उनका अकाउंट से कट हो गया है। गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समझो कि आपका गूगल पे से पेंडिंग में चला गया, तो फ़ोन में से पेंडिंग में चला गया, तो आपको वेट करना है, आप तो भी बैंक अकाउंट है आपका, बैंक में जाके बात करना है, या तो आपको वेट करना है। आप क्या कीजिए, 7 वर्किंग डेज का वेट कीजिए, 3 आवर्स में भी क्लियर हो सकता है, 2 आवर्स में भी क्लियर हो सकता है, हो सकता है तो 3 दिन भी लग जाए। आपको वेट करने है, आपको जल्दबाजी में कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं ढूंढना। अगर आपने गूगल पे का कस्टमर केयर में बात करना चाहती हो, गूगल पे का कस्टमर केयर का नंबर भी है, वो भी आपको बता दूंगा, गूगल पे का कस्टमर केयर का नंबर भी है। तो गाइस नेक्स्ट मैं और एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसमें आपको बता दूंगा कि गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर आप कैसे निकाल सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद ही वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए जैसे अपने अपने चैनल पर जैसे कि चला जाओगा वीडियो सेक्शन में जाओगे, तो इस ये वीडियो के बाद ही देख सकते हो कि गूगल पे का कस्टमर केयर का नंबर कैसे निकाले। काफ़ी इजी है, गूगल पे से ही आप निकाल सकते हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको ना गूगल पे जाना ना यहाँ जाना, आप डायरेक्टली गूगल पे से ही आप अपना गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर पता कर सकते हो, डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप छोटा मोटा गलती कर देते हो जिसके कारण आपका पैसा पूरा खाली हो सकता है। तो गाइस आप कभी भी सामने वाला बंदे से कभी भी कॉल करे कि आपका ये ऑफर है वो ऑफर है, गूगल पे ओपन करो, ये करो वो करो, आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो गाइस समझो कि आपका पैसा पेंडिंग में चला गया, तो आप डायरेक्ट आप अपना खुद का बैंक से बात करें, तो गाइस वहीं से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। या तो देखिएगा आपका बैंक के ऊपर इनके पासबुक के ऊपर कस्टमर केयर नंबर हो सकता है, या तो आपका चेकबुक के ऊपर कस्टमर केयर का नंबर हो सकता है, वो नंबर पर आपको बात करना है, यहाँ वहाँ ढूंढ के आपको बात नहीं करना है, आपको नहीं पता चलता कि सही नंबर कौन सा है गलत नंबर कौन सा है, आपने डायरेक्ट कॉल कर देते हो और पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप उनको बता देते हो। जैसे कि समझो कि आपका बैंक खाते से पैसा कट हो, आपका दिमाग काम नहीं करता है, तब उसी वक्त आप सब कुछ बता देते हो, जिस कारण क्या होता है कि आपका पूरा फुल एक्सेस उनके पास चला जाता है और आसानी से आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं उन लोग। तो ऐसे होता तो वैसे आप क्या कीजिए, आप अपना बैंक से एक बार बात कीजिए और डायरेक्टली आप क्या कीजिए, साइबर जो क्राइम जो ऑफिस है वहाँ पर भी जाके कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका एरिया में भी साइबर क्राइम ऑफिस जरूर होंगे, आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके बात कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी सबक सिखाना है। तो गाइस आपको ऐसे खाली नहीं छोड़ना, आपके साथ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो गाइस आप डायरेक्टली साइबर क्राइम ऑफिस में जाके आप कंप्लेन जरूर कीजिए, या तो आप अपना लोकल थाने में जाके भी एक बार बात कीजिए, ओके। और गाइस साइबर क्राइम का जो नंबर होता है कस्टमर का, साइबर क्राइम का जो कस्टमर केयर नंबर होता है मैं वो भी स्क्रीन को बता दूंगा। तो गाइस आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है तो गाइस आप डायरेक्टली साइबर क्राइम ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट करो, तो गाइस आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि सही हो जाए, बट आपने गूगल पे यूज़ कर रहे हो, फोन पे यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज कर रहे हो, तो गाइस आपको ये गलती नहीं करना। अपने गलती कर दोगे तो गाइस आप अपना गलती के एहसास कुछ महसूस नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या कर बैठा है। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है।